नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि मैं आपको Xiaomi Mi 11 मोबाइल के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत अच्छा मोबाइल है और आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस मोबाइल का। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस मोबाइल में क्या क्या फीचर्स है, फैसिलिटी है और स्पेसिफिकेशंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये Xiaomi Mi 11 जो मोबाइल है बहुत अच्छा है, जो कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए हम जान लेते हैं इसके एक एक करके फीचर्स, फैसिलिटी और स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम इसकी रैम के बारे में जानते हैं। तो रैम आपको 8GB तक देखने को मिल जाएगा और इंटरनल स्टोरेज आपको 128GB तक देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है, इसका बहुत ज़्यादा है। और चार कैमरा आपको पीछे में देखने को मिल जाएगा, जो कि 108 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का आपको चार कैमरा देखने को मिलेगा। HDR प्लस इसके साथ होगा और LED फ्लैश लाइट के साथ होगा। एक कैमरा आपको आगे में देखने को मिल जाएगा, जो कि 32 मेगापिक्सल का होगा, जो कि HDR प्रोसेस के साथ होगा। तो इसका कैमरा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कैमरा पूरा DSLR कैमरा से भी बहुत क्लियर है, इसीलिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छा इसका कैमरा है, अगर आप मेरी मानिए तो आपको अगर फोटोग्राफी का शौक है तो ये मोबाइल आप लोग ले सकते हैं। और बैटरी की बात करें कि इसका बैटरी कितना पावर का है, तो 4780 mAh का बैटरी है, जो कि बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा इसका बैटरी। और उसके बाद हम एंड्रॉयड के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंड्रॉयड आपको 10 देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है और 10 वर्जन का। डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो 6.7 इंचेस का मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा है। तो आप लोग को अगर बड़ा मोबाइल पसंद है तो आप लोग ये मोबाइल ले सकते हैं। 1440x3040 पिक्सल का आपको दिखेगा स्क्रीन रिजोल्यूशन। ब्रांड है Xiaomi का, मॉडल नंबर है Mi 11, जो कि बहुत अच्छा है ये मोबाइल। और हम जानते हैं कि ये 5G मोबाइल है कि 4G मोबाइल है, तो ये 5G मोबाइल आपको देखने को मिल जाएगा, 5G नेटवर्क भी इसमें सपोर्ट करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इस मोबाइल में आप लोग सिम घुसा सकते हैं और वोल्टी स्पीड का इसमें होगा, जो कि दो सिम आप इसके अंदर में घुसा सकते हैं, नैनो साइज का सिम, जो कि वोल्टी स्पीड भी इसमें सपोर्ट करेगा। स्क्रीन प्रोटेक्शन है, जो कि गोरिल्ला वर्जन 5 ग्लास है, जो कि बहुत अच्छा है ग्लास है। अगर आपका मोबाइल अगर गलती से हाथ से गिर भी जाए तो आपके मोबाइल को कुछ नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि और इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि स्क्रीन के अंदर में होगा, जो कि बहुत अच्छा है। और स्क्रीन की बात कर ली हमने, और फेस अनलॉक का भी इस मोबाइल में आपको सिस्टम देखने को मिल जाएगा। लाउड स्पीकर है, जो कि बहुत अच्छा है इसका स्पीकर है। और ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 3.5 mm का होगा। और लॉन्च डेट, जो कि जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि ये कब लॉन्च होने वाला है, तो अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, 11 जनवरी 2021 को ये लॉन्च हो जाएगा। तो आप लोग को अगर ये मोबाइल पसंद है और लेना चाहते हैं तो आप लोग रुक सकते हैं और ले सकते हैं। अगर मेरी मानिए तो ये मोबाइल बहुत अच्छा है, जो कि अगर मैं होता तो ज़रूर लेता। उसके बाद वारंटी आपको दे दिया जाएगा, जो कि 1 ईयर का आपको वारंटी देखने को मिल जाएगा। और 3 कलर आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि ब्लू में है, वायलेट में है और ब्लैक में है और वाइट में है। तो ये आपको 4 कलर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा कलर है। आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिए, हम मैं आपको दिखा दूंगा इसका कलर। और इसकी हम मोबाइल की हाइट की बात करें तो 162.5 mm का है, जो कि बहुत बड़ा ये मोबाइल है। और इसकी हम चौड़ाई की बात करें ये मोबाइल का, तो 74.8 mm का है, जो कि बहुत अच्छा है ये मोबाइल। पतला भी बहुत है, जो कि थिकनेस इसका 9 mm का है, जो कि बहुत पतला है, लंबा है और बहुत बड़ा ये मोबाइल है। तो आप लोग को अगर बड़ा मोबाइल पसंद है तो ये मोबाइल आपके लिए सबसे अच्छा है। उसके बाद हम इस मोबाइल की वेट की बात करें तो 204 ग्राम का है, जो कि 204 ग्राम का इसका वेट है, वजन है इस मोबाइल का। वाईफाई देखने को मिलेगा, हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा, NFC, GPS, USB टाइप सी का चार्जर होगा और USB टाइप सी का आपको चार्जिंग पिन भी होगा, जो कि सपोर्ट करेगा। तो
और हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल में ब्लूटूथ वर्जन की, तो ब्लूटूथ भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 5.1 वर्जन का होगा। उसके बाद हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस आपको 47,000 तक ये देखने को मिल जाएगा, 45 तक आपको मिल जाएगा अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ, तो ये आपको इंडिया का मैं बता रहा हूँ, इंडिया में आपको इतना तक देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग लेते हैं ये मोबाइल तो आपको बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये मोबाइल दे दिया जाएगा जो कि Xiaomi Mi 11 जो कि बहुत अच्छा ये मोबाइल है, और उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोग को बता ही दिया पहले में, और साथ ही साथ आपको एक कवर दे दिया जाएगा जो कि ट्रांसपेरेंट कवर होगा जो कि बहुत अच्छा इसका कवर भी है, और एक पिन दे दिया जाएगा जो कि बहुत अच्छा इसका पिन है जिसके वजह से आप अपना सिम और सिम को अपना निकाल या तो घुसा सकते हैं। USB टाइप सी का फास्ट चार्जर होगा जो कि बहुत अच्छा इसका चार्जर, बहुत जल्दी इसका बैटरी को चार्ज कर देता है। और उसके बाद USB वायर दे दिया जाएगा जिसके वजह से आप अपना चार्ज कर सकेंगे अपने मोबाइल को, तो ये सभी आपको बॉक्स के अंदर में देखने को मिलेगा। तो यही सब है इस मोबाइल का फीचर्स फैसिलिटी और स्पेसिफिकेशंस, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी से जल्दी से जा करके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आऊँगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।